सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अन साहब सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेके है। सोर्सेस के मुताबिक धनुष आर्टिलरी गन्स की फाइनल यूजर ट्रायल को सक्सेसफुली कम्प्लीट किया जा चुका है और अभी ये इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। 31 में से 7 जून तक 6 धनुष आर्टिलरी गन्स के साथ पोखरण फायरिंग रेंज में इसका फाइनल ट्रायल को कंडक्ट किया जा रहा था और इस दौरान करीब 300 से ज्यादा राउंड्स को फायर किया गया है। इसका पहला टेस्ट 2016 के जुलाई से सितंबर के बीच कंडक्ट किया गया था और तब से अभी तक इसे लगभग हर तरह के वेदर कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है और करीब 1520 राउंड को फायर किया जा चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि अभी टोटल 114 गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाने वाला है, जिनमें से 6 गन्स को पहले ही डिलीवर किया जा चुका है और इसी साल के अंदर और 12 गन्स को डिलीवर किया जाएगा और सारे 114 गन्स को आने वाले 4 साल के अंदर इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट कोस्ट गार्ड की तरफ से है। इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की फ्लीट अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और अब ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड फ्लीट है। 2023 तक इंडियन कोस्ट गार्ड में करीब 200 शिप्स और 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल किए जाने वाले हैं और अभी करीब 60 सर्फेस प्लेटफॉर्म्स और 15 वारपोर्ट पर अलग अलग इंडियन सीपैड में काम चल रहा है और अभी हमारी कोस्ट गार्ड में करीब 136 शिप्स, 62 एयरक्राफ्ट और 13,000 से भी ज्यादा पर्सनल्स काम कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडिया और रशिया की तरफ से। इंडिया और रशिया के बीच अभी एक ट्राई सर्विस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाने वाला है। इस एक्सरसाइज का नाम इंद्रा 2018 है और इसे इसी साल के सेकेंड हाफ में किसी इंडियन मिलिट्री बेस में कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज के लिए रशिया की एक मिलिट्री डेलीगेशन इंडिया के विजिट पर आई हुई है और इस दौरान होने वाली एक्सरसाइज के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर बातचीत किया जा रहा है। रशियन सोर्सेस के मुताबिक रशिया की ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कॉम्बाइंड मिलिट्री यूनिट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है। एक्सरसाइज के अलावा इंडिया और रशिया के बीच ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के सर्विस को लेकर भी अभी बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट न्यूक्लियर वेपन्स को लेके है। आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अभी अपनी अपनी न्यूक्लियर पावर को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। रिसेंटली पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास बेहतर डिटरेंस कैपेबिलिटी है, जो कि इंडिया को न्यूक्लियर अटैक के खिलाफ बेहतर सर्वाइवेबिलिटी और जवाबी हमला करने के लिए बेहतर पोजीशन प्रोवाइड करती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास अभी करीब 140 से 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास 130 से 140 वॉरहेड मौजूद हैं और चाइना के पास करीब 280 वॉरहेड्स मौजूद हैं। अगला अपडेट इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को लेके है। दोस्तों, कल चाइना की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि अगर इंडिया चाहे तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे समस्या को समाधान करने में और शांति कायम करने में मदद कर सकता है और चाइनीज एनबॉय ने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच एक ट्रायलेटरल कोऑपरेशन को सेटअप करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन इंडिया की तरफ से आज इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी रिलेशनशिप है ये कम्प्लीटली बायलेटरल है और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी को इंडिया इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है और यहाँ तक कि हमारे ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से भी गवर्नमेंट की इस डिसीजन को फुली सपोर्ट किया गया है। अगला अपडेट बीएसएफ की तरफ से है। इसी महीने के शुरुआत में पाकिस्तानी स्नाइपर्स के द्वारा फायर किए जाने वाली गोलियों से बीएसएफ के एक जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है। इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक आईएसआई ने लगभग 150 स्नाइपर्स को एलओसी में डिप्लॉय कर रखा है और अभी इसे काउंटर करने के लिए बीएसएफ की तरफ से एक खतरनाक स्नाइपर टीम को तैयार किया गया है। अत्याधुनिक हथियार और गिली सूट से लैस इन स्नाइपर्स को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। बीएसएफ के द्वारा अभी करीब 60 स्नाइपर टीम को तैयार किया गया है, जो कि आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी स्नाइपर्स को भी मार गिराएंगे, जो कि हमारे बीएसएफ के जवानों को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्नाइपर्स अभी ड्रैगनॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारे स्नाइपर्स एसएसडी 69 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा अभी सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन और टैक्टिक्स के द्वारा और भी स्नाइपर टीम को तैयार किया जा रहा है। अगला अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। रिसेंटली इसराइल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो बैराक मिसाइल फैमिली की फर्दर डेवलपमेंट करने वाले हैं और 2 नए मिसाइल को डेवलप करने वाले हैं। बराक मिसाइल फैमिली में 35 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है और एडिशनल बूस्टर की मदद से इनकी रेंज को 150 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन इंडिया इस बार इसराइल की इस एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले ही आकाश शाम पर फोकस कर रहा है जो कि हमारी शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और डीआरडीओ अभी एक्सआर शाम पर भी काम करना शुरू कर चुका है जो कि 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक मार कर सकेगा। इसके अलावा हमारे पास क्यूआर शाम भी मौजूद है जो कि हमारी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और अभी हम रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने वाले हैं जो कि हमारी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नीड को पूरा कर सकता है। और रिसेंटली किए गए सर्वे के मुताबिक 2022 के बाद इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।